हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रोनाउन के पार्ट्स। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोनाउन के काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था एंड नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द अदर पार्ट्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन आफ्टर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड द पजेसिव प्रोनाउन। सो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव एंड लेट्स रीड द फर्स्ट वन, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, एज इफ यू आर रीडिंग माई टॉपिक्स, एज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो हेयर यू कैन सी दैट दीज चाइल्ड्स आर इंडिकेटिंग इट। ओके, सो ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द एरिया, दीज आर द बॉयज हु क्रिएटेड अ मेस, दोज आर द लग्जीरियस कार्स। तो सभी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग सबसे बड़ी है, दीज आर द बॉयज ये वो लड़के हैं जो मेस क्रिएट करते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दोज एप्पल्स, दैट एप्पल, दीज एप्पल्स एंड दिस एप्पल। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये रेफर करते हैं पर्सन और थिंग को एट वन टाइम, एक ही समय पर। ठीक है, मतलब जैसे ऑल, बोथ, ईच, इधर सबका पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया जाता बल्कि एक ही साथ सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब एक ही साथ सबका नाम लिया जाता है कुछ इन टर्म्स के रूप में, ऑल, बोथ, ईच, ईदर, नीदर। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ईच ऑफ दीज वेमेन इज़ वेयरिंग, नीदर ऑफ द चैप्टर्स इज़ कम्प्लीटेड। स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी दैट इज आर यूज ओवर हेयर बिकॉज ईच इज़ आइडेंटिफाइंग वन। ओके, पूरे ग्रुप को एक ही में दिखाया जाता है। ईदर ऑफ द बसेस गोज़ टू जयपुर, सो या तो वन यानी कि एनी या फिर बोथ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी दिस लाइन रिटन, ओफन दिस प्रोनाउंस आर फॉलोड बाई ऑफ यू और ऑफ देम। या तो ज़्यादातर ऑफ यू का यूज़ किया जाता है इन प्रोनाउंस के साथ या फिर ऑफ देम का, जैसे कि नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, इनडेफिनाइट प्रोनाउन इन सभी प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका एक डेफिनाइट यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, इनके लिए हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वन, नोबडी, ईच, एनीवन, एनीबडी, ईदर, एवरीवन, एवरीबडी, नीदर, समवन, समबडी एंड नथिंग। स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, इनडेफिनाइट के अंदर मोस्टली सिर्फ तीन प्रोनाउंस को रखा जाता है, दैट इज ईच, ईदर एंड नीदर, और बाकी सारे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ऑल वर सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, Nobody noticed her appearance, someone has seen you walking, and many were invited but few came. So students, here you can see that noun, यानी कि किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, बस उन्हें एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर से आइडेंटिफाई किया गया है, और वो नंबर भी कम्प्लीटली फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि अगर फिक्स्ड होता तो यहाँ ऑल वर सेटिस्फाइड नहीं आता ना, यहाँ आता लाइक फाइव पर्सन, ऑल द फाइव पर्सन वर सेटिस्फाइड, पर ऐसा नहीं है, फाइव पर्सन नहीं है या फिर अमन एंड अक्षत नहीं है नाम, इसीलिए उनकी जगह एक पर्टिकुलर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, उन दोनों में वो माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ वाले यूज़ हो रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ उससे एक बार प्रोनाउंस पूरा देख लीजिएगा। सो उसी तरीके से इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, बस इनका यूसेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, इनका जो यूसेज होता है वो अलग होता है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट अस नो कि कौन कौन से होते हैं इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। सो हु, जो कि पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, विच, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है या फिर एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, वेयर, जो कि प्लेस यानी कि किसी जगह के लिए यूज़ किया जाता है, वाई, जो कि रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है, होम, जो कि फिर से पर्सन की तरह के लिए यूज़ किया जाता है पर ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर
whose possessive pronoun दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, time के लिए when का यूज़ किया जाता है, और that का यूज़ people, object और animals दिखाने के लिए किया जाता है. So here you have seen which का यूज़ object और animal के लिए, और that का यूज़ object, animal plus people के लिए. चलिए अब हम देखते हैं हमारे pronouns को. यस, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हु, whom, which, whose, what आर यूज्ड एज इंटरोगेशन एंड रिलेटिव, मतलब दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इनका यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए. ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, हु विल गो टू द पार्टी, हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है. अब आप यहाँ रिप्लाई करोगे माय फेवरेट कलर इज़ बीट लाइक ब्लू. ठीक है, तो ब्लू यहाँ पर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, नो सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू. नेक्स्ट, हु विल गो टू द पार्टी, बी इट लाइक अक्षिता, अक्षिता विल गो टू द पार्टी, सब्जेक्ट बन गया आपका. हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन, ऑब्जेक्ट बन गया आपका. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी एक पर्सन के नाम की जगह पर इन प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ स्टूडेंट्स रिलेट करने के लिए किया जाता है नाउन को ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ, यानी कि अगले सेंटेंस के साथ या फिर क्लॉज के साथ. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू ऑल व्हाट आई न्यू, मुझे जो भी पता था वो मैंने आपको बता दिया. तो इस व्हाट का यूज़ किस लिए किया गया है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया गया है. व्हाट का यूज़ दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया गया है. गॉड हेल्प्स दोज, फिर से इंडिकेशन हो रहा है हु हेल्प themselves. सो ये दोज का यूज़ यहाँ दैट की वजह से किया गया है, दैट का प्लूरल दिखाने के लिए. सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस इन बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. सो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया विच और दैट है ना, ये कुछ एक ही तरीके के दिखाई दे रहे थे, तो चलिए अब हम विच और दैट में डिफरेंस जान लेते हैं. विच का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स को और एनिमल्स को दिखाने के लिए किया जाता है, दिस इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, ओके. एंड एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि द हाउस विच आई शोड यू, ठीक है. देन फॉक्स इज़ एन एनिमल विच हैज़ बीन कंसिडर्ड, ठीक है. जबकि दैट का यूज़ रिलेट बोथ पर्सन्स, इंसानों के लिए और चीज़ों के लिए किया जाता है, एनिमल्स के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है. और विच का यूज़ पर्सन के लिए नहीं किया जाता है. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. आई लॉस्ट द वॉच दैट माई अंकल हैड गिवन, दिस इज़ द मैन दैट आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ. सो नाउ स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी कि अगर आप विच या दैट दोनों में से किसी का भी यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं तो आपका सेंटेंस सही है, लेकिन अगर आप विच का यूज़ इंसानों के लिए करते हैं तो वो गलत है, और अगर आप दैट का यूज़ एनिमल्स के लिए करते हैं तो भी वो गलत है. सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक प्रोनाउंस कम्प्लीटली. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट मी अगर आप जानना चाहते हैं प्रोनाउंस में और एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट एडजेक्टिव एक ही जैसे लगते हैं देखने में. सो मैं आपको उसका डिफरेंस ज़रूर बताऊंगी इफ़ यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स फॉर द सेम. थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.